मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाम अहमद मीर साहब, केशव महंतो, कमलेश, तारिक अनवर साहब, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, राजेश ठाकुर जी, कनके कैंडिडेट सुरेश बैता जी, खिजरी कैंडिडेट एमएलए राजेश कश्यप जी, केदार पासवान जी, हमारे गठबंधन दल के जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई और सभी हमारे पार्टियों को सहानुभूति रखने वाले हमारे दोस्तों और इस सभा के मंच पर बैठे हुए सारे सम्मानित भाइयों और यहां पर उपस्थित मेरे किसान भाइयों, माताएं, बहने, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी हम सब लोग इस कनके के रिजर्व सीट पर जो प्रचार के लिए जमा हुए हैं और हमारे उम्मीदवार गठबंधन के ओर से और कांग्रेस से ओर से सुरेश बैठा जी है और सुरेश इस बार जरूर जीत के आएंगे आपके आशीर्वाद से। किसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है के चूल्हे बनाने वाले वो जरूर जीतता है। और नूर जहां बताते हैं कि वे लेकिन 20 साल से चंद लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज रिजर्वेशन मिला, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और संविधान के तहत जिस जिसको हक मिले हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने हम सबको कुछ ना कुछ आजादी के बाद दिए हैं। उसी जोर पर आज हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उद्योग में वो जा रहे हैं और जो आजादी के पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहां तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है। आज
किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है। लेकिन मैं सुना कल मोदी जी झारखंड में घूम रहे थे और झारखंड के धरती पर उन्होंने जो भाषण दिए, जो वायदे किए, वो सब झूठे वायदे जुमले। मैं नहीं बोलता, उनके जो होम मिनिस्टर है, जब उनको पूछा गया कि भाई आप इस देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे, तब वो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर बात झूठा। उन्होंने कहा 15 लाख मैं काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको 15 लाख? नहीं मिला। अरे देखो, या तो मोदी झूठ बोल रहे हैं या आप लोग लेकर झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूं, ये देता हूं, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा किए, फूड सिक्योरिटी किए, ऐसी बातें वो बोलते हैं। नहीं दिए ये? नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां, हमारे पास कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिले आपको? मोदी जी ने नहीं दिया? नहीं दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते हैं, गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है, लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, MSP 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका MSP किसानों का? नहीं हुआ। वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को फिर आप वोट कैसे दे रहे हो? देखिए, ये हमेशा कैसी बातें करते हैं। मैं गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन में गया था, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए, दलितों में झगड़ा लगाने के लिए, छोटे बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में? देखो, ये कांग्रेस वाले आएंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, यहां तक मंगलसूत्र लेंगे, भैंस खुलवाएंगे। ये किसने बोला आपको याद नहीं? किसने बोला? मोदी।
ये मोदी ऐसा है भी मंगलसूत्र बेचने लगाने वाला और संपत्ति छीनने वाला और भैंस खुलवाने वाला यही है। ये सब कर करके किसको दे रहे हैं? ये सब अदानी अंबानी को दे रहा है। अदानी अंबानी दो अमीर लोगों को तुम्हारी सारी संपत्ति लूट के दे रहा। इस देश में 5% लोगों के पास 7% संपत्ति है। कितने हैं? 5% लोगों के पास, अमीरों के पास, इस देश का 60% संपत्ति उनके पास है और हम 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% इस देश की संपत्ति है। तो मोदी साहब, ये जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, आपने तो बोला, बड़े बड़े भाषण दिए, ये कांग्रेस वाले चूसते, कांग्रेस वाले वैसा किए, हमको तो गालियां दे के आप आए, लेकिन मुझे बताओ इस 10 साल में क्या किया आपने? सिर्फ भाषण? अरे भाई, भाषण से पेट नहीं भरता। इसीलिए तो इंदिरा गांधी बोली, भाषण, सोनिया गांधी जी बोले, भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से भरता है। इसीलिए उन्होंने सबके लिए ये राशन खोल दिया। नरेगा, मेहनत करने वालों को नरेगा का काम दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ हमको टीका। यहां आए, अब कॉरपोरेशन इलेक्शन में मोदी आके वोट मांगते, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में भी पूछ रहे, एमएलए इलेक्शन में पूछ रहे। अरे कहां कहां जाएंगे भैया? उस राज्य के लोगों को छोड़ो, अब तुम आते तो हम भी आते हैं। अब इस देश की भलाई सिर्फ चुनावी भाषण से नहीं चलता। इस देश की भलाई होना है, हर किसान को, हर दलित को, हर आदिवासी को, हर माइनॉरिटी को, हर गरीब को मजबूत करना होगा, ओबीसी को मजबूत करना होगा, तभी इस देश की भलाई होती। नहीं कि तुम्हारी सारी गरीबों की संपत्ति अगर अदानी अंबानी के हवाले करे तो इस देश का उद्धार नहीं होगा। तो भाइयों, ये जो आरएसएस और बीजेपी देश में झगड़ा लगाने का काम करती है, भाई भाइयों में बंटवारा करना चाहती है, लड़वाना चाहती है, तो यहां है, देखो कितना चिंता है उनको। वो बोले माटी और बेटी और रोटी, ये सब बाहर के लोग लूट के ले रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे भी? आप प्रधानमंत्री हो, शाह होम मिनिस्टर है, आप क्या भुट्टे बुन रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को बोलते हैं ये संपत्ति छीन के जा रहे, बाहर के लोग घुसपैठ कर रहे, फिर आपका फर्ज नहीं है उनको रोकने का, इनकी रक्षा करने का? अपना फर्ज छोड़ दिए। मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं, बीजेपी को आप वोट दो, ये बेटी बचाने के लिए, रोटी के लिए और माटी के लिए। अरे हम तो पहले से बोल रहे हैं, जल जमीन जंगल इसको सुरक्षित रखना है तो गठबंधन की सरकार आना जरूरी है। हेमंत सोरेन
से मुख्यमंत्री बनना ये जरूरी है। ये देश के गरीबों के लिए, झारखंड के गरीबों के लिए ये जरूरी है। ये नहीं कि हम कोयला खान या किसी आयरन माइनिंग, इसके लिए कोशिश नहीं हमारी। हमारी कोशिश है इस देश के संविधान को बचा के रखना, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखना। ये सब कब हुआ? सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। महिलाएं आज मेयर बन रही है, पंचायत चेयरमैन बन रही है, जिला पंचायत चेयरमैन बन रही है। बताओ आप, पहले ये था? ये कोई महिलाओं को दिया था हक? ये सब हक जो संविधान के दायरे में, जो बाबा साहब अंबेडकर ने हर एक को वोट, कितना भी अमीर हो उसको भी एक ही वोट, कितना भी गरीब हो उसको भी एक ही वोट, लेकिन सबको समान जो वोट का अधिकार मिला, तब से सब लोग आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, राजकारण में आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी को भी मौका मिला, संविधान के वजह से मिला, नहीं तो मोदी जी वो चाय बेचते फिरते थे। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते फिरता था। अगर हम दोनों को जो चांस मिला, अरे वो संविधान दिया, जनता दी, जनता के कृपा से तुम प्रधानमंत्री बने हो, मैं एक अपोजिशन लीडर बना। ये ख्याल में रखो, ये दिमाग में रखो। आदानी अंबानी को निकाल लो दिमाग से, वो तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले यहां बैठे हैं, वोट देने वाले यहां बैठे हैं। जब तक ये पावर तुम्हारे हाथ में है, इसका इस्तेमाल सही करना चाहिए। यही चाहता हूं मैं, और आज आप लोग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और खास करके जो लोग तुम्हारी सेवा में हमेशा साथ रहते हो, उनको आप मदद कीजिए। अब सुरेश नीचे से आया और शाह ऊपर से आया, हर घर घर फिर के प्रचार करते हैं। अमित शाह करते हैं क्या घर घर फिर के प्रचार? वही मंच रेडी रहता है, पैसे लगा देते हैं और खूब भाषण टोक के चले जाते हैं। उन्हें उड़ते रहते हैं, आप नीचे देखते रहते हो। इसीलिए आप बीजेपी को भगाओ। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण इसी में है कि इस पार्टी को आप उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल लो। इसके विचार सड़े हुए हैं, इसके विचार झगड़ा लगाने का है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। शेष लड़ो।